हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ज्योति है और स्वागत है सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश। हमारी पारंपरिक डिश जो बनती है वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी। जी हाँ, ये है कद्दू, जिसे महाराष्ट्र में रेड भोपड़ा कहा जाता है, काशी फल कहा जाता है, गंगा फल कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी में इसे कहते हैं पम्पकिन, कद्दू। जी हाँ, कद्दू, कद्दू से बनने वाली यह रेसिपी देखिए। यह कद्दू, इसे मैंने काट लिया है। पीले और नारंगी कलर के कद्दू में कैरोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, बीटा कैरोटीन। जी हाँ, जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। तो इस तरह से इसको मैंने काट लिया है और इसके ऊपर का जो छिलका है इसे हमें उतार लेना है। ये काफ़ी सख्त होता है तो इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसे हम उतार लेंगे। और इसके ऊपर जो पके हुए धागे होते हैं उनको भी हम क्लीन कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो चलिए इसे हम अच्छे से पानी से धो लेते हैं, एकदम साफ कर लेंगे। और सीधा एक कढ़ाई में ले लेंगे, उसी कढ़ाई में जिसमें हमें इसे पकाना है। तो देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब सिर्फ आधा ग्लास, जी हाँ, पूरी रेसिपी में सिर्फ हमें आधा ग्लास पानी की ज़रूरत है। आधा ग्लास पानी डाल के मैंने उसे पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डार्क ब्राउन गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं ये आप देख लीजिए। तो चलिए देखिए, सिर्फ 10 मिनट के बाद हमारा ये जो कद्दू है, पम्पकिन है, वो बहुत अच्छे से पक चुका है, एकदम से गल चुका है। देखिए, सिर्फ दबाने से ये कैसे इस तरह से इसकी प्यूरी बन रही है, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है, मीठी मीठी। तो देखिए आप, इसके अंदर जो होता है वो पानी ऑलरेडी होता है बहुत सारा। तो बिल्कुल भी अब हमें इसका जो हम डो बनाएंगे, एक आटे में इसे गूंथेंगे, तो बिल्कुल भी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो गर्मा गर्म इसे मैंने एक बड़ी सी डिश में निकाल लिया है, बहुत ही गर्म है, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो चलिए, आपको तो मैंने बताया इसमें हमें गुड़ ऐड करना है, मस्त एकदम से स्वादिष्ट, पौष्टिक और टेस्टी बनने वाली है हमारी यह रेसिपी। तो गुड़ से और गेहूं के आटे से एकदम सी पौष्टिक। तो ये देखिए, गुड़ को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, इसके अंदर अगर कोई कचरा वगैरह हो तो निकाल लेंगे। तो लगभग ये स्मैश होके एक कटोरी बन गया था हमारा कद्दू, कद्दू की प्यूरी। तो उसके लिए हमने एक कटोरी ही गुड़ लेना है। तो इसी सामग्री, इसी नाप से आप लीजिए सामग्री। और इसमें अब हमें सारी गर्मा गर्म है कद्दू, तो देखिए गुड़ भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है, बिल्कुल भी इसे मिलाना मुश्किल नहीं है। इसकी हमें एक पूरी पेस्ट जैसा बनाना है, क्योंकि हमें आटा गूंथना है एकदम से सॉफ्ट और पूरियाँ इसकी बेलनी है, तो इसीलिए बिल्कुल भी गुड़ नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, गुड़ को थोड़ा गर्म है इसीलिए चम्मच या कांटे की सहायता से मिक्स कीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथों से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, एकदम से मेल्ट हो जाता है। गर्मा गर्म कद्दू में हमने इसे डाल दिया, कुछ भी नहीं, कद्दू को सिर्फ हमने आधा ग्लास पानी में उबाला है। और ये देखिए, इसमें हमने एक कटोरी गुड़ जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें ऐड करना है नमक। जी हाँ, स्वीट और नमकीन ये पूरियाँ है, स्वीट रेसिपी भी में हमने थोड़ा सा नमक डालना होता है। तो ये है सौंफ पाउडर, बहुत ही ज़रूरी है सौंफ पाउडर इसमें डालना। तो सौंफ पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और ये उतना ही हेल्दी हो जाता है सारा। तो सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं आप। तो चलिए, अब हमें लेना है गेहूं का आटा। तो सबसे पहले लगभग 3 कटोरी गेहूं का आटा मैं इसमें डालती हूँ, फिर हम देखेंगे हमें और लगता है क्या, इस हिसाब से हम और लेते जाएंगे। देखिए आप, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो 3 कटोरी गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इसमें जितना आटा लगने वाला है उतना हम लेते जाएंगे। और बाद में हमें इसमें 1 कटोरी सूजी भी ऐड करना है। जी हाँ, सूजी डालने से होगा ये कि इसके अंदर का जितना भी पानी है वो सूजी जो है वो सोख लेगा, फिर हमें ज़्यादा आटा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए आप, मैं आपको पम्पकिन के फ़ायदे भी बता रही हूँ, वो भी देख लीजिए आप। अच्छी नींद के लिए गुणकारी होता है पम्पकिन, सूजी ऐड कर दी है मैंने इसमें।
तो अच्छे से गूंथ लेंगे हम। गुड़ में तो ऑलरेडी विटामिन ए बी होता है, ग्लूकोज होता है, फॉस्फरस की मात्रा बहुत अधिक होती है गुड़ में, तो हमारे एसिडिटी से छुटकारा दिलाता है गुड़। खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और पम्पकिन जो है हमारी प्रोटेस्ट ग्रंथि ठीक करता है, मधुमेह का भी खतरा कम करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, हमारे स्वस्थ दिल के लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए आटा मैंने अच्छे से गूंथ लिया और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है। तब तक हम कढ़ाई में जो है वो तेल ले लेंगे तलने के लिए। तो तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक हम जो है पूरियाँ बेलेंगे। तो देखिए आप आटा देखिए बिल्कुल एकदम से परफेक्ट, देखा आपने, गुड़ और पम्पकिन से पानी छूट रहा था तो उसी पानी में हमने आटा और सूजी मिक्स करके डो बनाया है। तो चलिए इसकी एक लोई में तोड़ लेती हूँ। चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा हम डालेंगे और एक रोटी इसकी बेल लेंगे। बिल्कुल भी पतली रोटी हमें नहीं बेलनी है, थोड़ी सी मोटी बढ़िया सी लगती है पूरिया और अच्छी सी फूलती है। और ये जो पूरिया है इसका लुत्फ़ आप गर्मा गर्म भी उठा सकते हैं और 2-3 दिन के तक हम इसे रख कर खा सकते हैं। सफ़र में जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, तो बस अभी इन दिनों कोरोना के दिनों में इस तरह से घर से बनी हुई हेल्दी रेसिपी साथ में हो ब्रेकफास्ट के लिए, शाम के स्नैक के लिए, तो कितनी बढ़िया बात है। तो देखिए आप, मैंने इसे इस तरह से कटोरी की सहायता से काट लिया है ताकि ये सब एक ही आकार के बन जाए। तो इसी तरह से मैं जो है पूरे डो से पूरियाँ बेल लेती हूँ। तो आधे ही डो से मैंने अभी पूरियाँ बेली है, आधा डो रहने दिया है। तो देखिए आप, आटा भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, फ्रिज में रख सकते हैं आप। तो आधी पूरियाँ, आधा डो की पूरियाँ मैंने बेल ली है, तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बस तलने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरह से देखिए आप, एकदम सी गोल्डन ब्राउन होके फूल के ऊपर आ गई पूरी, परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट। और बहुत ही मस्त पम्पकिन की खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो वीडियो के एंड में मैंने पम्पकिन के अंदर जो बीजों होती है ना, उनमें भी कौन सी पौष्टिकता होती है वो बताई है, आप ज़रूर देखिए। तो देखिए कैसे मस्त फूल के आ गई है, टिश्यू पेपर पे हमने निकाल लिया इनको। तो इस तरह से एकदम से हेल्दी पारंपरिक यह पौष्टिक पूरियों की रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है, बहुत ही डिफरेंट स्वाद होता है, बहुत बढ़िया ही सी बनती है। ज़रूर बना के देखिए इनको। और इनके अंदर जो बीजे होती है, पम्पकिन के अंदर जो बीजे होती है, तो वो भी खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है। बहुत ही बढ़िया हमारी पूरियाँ बन गई है, देखिए आप, ज़रूर बनाइए, बहुत ही पसंद आती है मुझे तो पम्पकिन से बनने वाली ये मीठी स्वीट पूरियाँ। और सामग्री भी इसमें जो जो हमने डाली है वो बहुत ही पौष्टिक सामग्री है सारी की सारी, गेहूं का आटा, गुड़, सौंफ की पाउडर, तो सारे पोषक तत्वों का खजाना है, मान लीजिए ये डिश। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, अब तक नहीं बनाई होंगी। तो चलिए इनके अंदर जो बीजें रहती है उनको हम अच्छे से धोकर सुखा लेंगे, और इसके अंदर एक ग्रीन कलर की बी निकलती है जो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो हमारे एक दिन की मैग्नीशियम को की ज़रूरत को पूरा कर देता है। इसमें जिंक होता है, आयरन होता है, और देखिए आप विटामिन ए होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो ये सारी जानकारी और रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।